बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कोहेसिव डिवाइसेस होती क्या हैं। बेसिकली हम रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, और ये हमने जो टॉपिक शुरू किया था ये था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और उसके उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने जो था पिछले लेक्चर्स में हाउ टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस, और दूसरा फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली इन पैराग्राफ या रिटन टेक्स्ट, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट कोहेसिव डिवाइसेस। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी बात की थी कि कोहेसिव डिवाइसेस होती क्या हैं और किस काम आती हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल अगर आप लोगों को करवा दूं, तो कोहेसिव डिवाइसेस जो होती हैं ये टेक्स्ट को बाइंड करती हैं, सेंटेंसेस का और वो जितना भी मटेरियल है उसका आपस में ये रब्त पैदा करती हैं, इसे हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। तो चलें जी, आज ये शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि ह्यूमन बीइंग्स यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टू रिप्रेजेंट देयर आइडियाज़ और थॉट्स। कि जब लैंग्वेज हम बोलते हैं तो लैंग्वेज जो है ये टूल है किसका, कम्युनिकेशन का, विद ईच अदर, आपस में, टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और थॉट, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब कम्युनिकेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन एज वेल एज स्पोकन डिस्कोर्स। अब जो हमारे पास लैंग्वेज है ये दो तरह से हो सकती है, ये रिटन भी हो सकती है और ये स्पोकन भी हो सकती है। और फिर टू डू ऑल दिस दे यूज वन आर मोर वर्ड एंड मोर देन वन सेंटेंस। अब इस ऐसा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक से ज़्यादा लफ्ज या एक से ज़्यादा जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो द वाइड रेंज ऑफ सेंटेंस कैन बी यूज्ड एज यूनिफाइड होल आर सेपरेट अनरिलेटेड सेंटेंसेस। अब ये जो जुमलों की बेशुमार वैरायटी है हमारे पास, इसे हम यूज़ करते हैं और इन्हें आपस में कोहेसिव बनाने के लिए, टेक्स्ट को कोहेसिव बनाने के लिए हम कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इन दिस वे दे प्रोड्यूस लॉन्ग टेक्स्ट। इस तरह से बड़े बड़े टेक्स्ट जो हैं ये हमारे सामने आते हैं। तो कोहेसिव डिवाइसेस का मीनिंग क्या है? तो कहते हैं जी, कोहेसिव डिवाइस इज अ डिवाइस विच होल्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ थिंग टुगेदर। कि कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं ये ऐसी डिवाइसेस, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखती है, जोड़ के रखती है एक दूसरे के साथ। और इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और अगर हम बातचीत की बात करें यानी लैंग्वेज की बात करें, तो कोहेसिव डिवाइसेस आर टिपिकली सिंगल वर्ड्स और फ्रेज। तो ये आमतौर पे एक लफ्ज़ होता है या कोई फ्रेज होती है दैट होल्ड एंड हैंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, जो जुमले को या जो हमारा टेक्स्ट है उसके मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ के रखती है। तो दीज आर बेसिकली टूल्स ऑफ कोहेजन, ये कोई रब्त पैदा करने के ज़रिए होते हैं। ये हमने पीछे लेक्चर में बात की थी कि ये रब्त कैसे पैदा करते हैं। तो फंक्शन इनका क्या होता है? द मेजर फंक्शन ऑफ कोहेजन इज़ टेक्स्ट फॉर्मेशन। मतलब ये होता है कि हमारे पास जो तहरीर है उसे मुकम्मल करना, उसकी फॉर्मेशन, उसको फॉर्मेट में लेके आना। अब चूँकि लैंग्वेज जो है, अगर ये फॉर्मेट में ना हो, इसकी फॉर्मेशन ठीक ना हो, तो हमें ये समझ नहीं आ सकती। मतलब अगर माजी की बातें हम मुस्तकबिल के स्ट्रक्चर में, मुस्तकबिल वाली फॉर्मेशन से करना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास मीनिंग को समझने के लिए सिमेंटिक्स के हवाले से हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं इनका बड़ा फंक्शन ये होता है कि ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करती हैं, उसको फॉर्मेशन में रखती हैं, और हेल्प्स इन अचीविंग यूनिटी ऑफ टेक्स्ट एज सिमेंटिक होल। सिमेंटिक कहते हैं द नॉलेज ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो
ये जो इनके मानी होते हैं अल्फाज के, इन्हें समझने में ये कोहेसिव डिवाइसेस हमें बड़ी हद तक मदद करती हैं। तो जी आगे, अ टेक्स्ट मस्ट बी मीनिंगफुल। अब जो भी तहरीर होती है, चूँकि हम बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो जब ने हमने कॉम्प्रिहेंड करना है, जब हमने वो अपना पैराग्राफ को लिखेंगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। एक, अ टेक्स्ट मस्ट बी मीनिंगफुल। जो भी टेक्स्ट हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मतलब वाजह होना चाहिए। अ टेक्स्ट दैट इज़ नॉट कोहेसिव इज़ नेवर मीनिंगफुल। अब जो टेक्स्ट है जो कोहेसिव ना हो, जिसका रब्त ना हो, जिसके एक जुमला दूसरे जुमले के साथ मेल ना खा रहा हो, उसका कोई राबता ना हो, उसका मतलब वाजे नहीं हो सकता। तो जो टेक्स्ट है उसे कोहेसिव होना चाहिए। दे शो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अब सेंटेंसेस का आपस में और सेंटेंसेस का पैराग्राफ के साथ जो लॉजिकल रिलेशनशिप है वो बयान करने में हमारी मदद करती हैं कोहेसिव डिवाइसेस। और दे हेल्प एक्सपेंड द कॉन्टेक्स्ट, सच एज वेदर इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली न्यू रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इन अदर सेंटेंसेस। अब कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं ये इसके कॉन्टेक्स्ट को एक्सपेंड करती हैं, टेक्स्ट को खोल के बताती हैं हमें कि आया ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कम्प्लीटली न्यू है, नई बात कोई हो रही है आया, या फिर ये पीछे भी किसी सेंटेंस में ये बात हो चुकी है, तो हम प्रोनाउंस के ज़रिए कंजंक्शन के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है। और इज़ अ रेफरेंस टू ओल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रीवियस सेंटेंस, या फिर ये जो हमने जुमला लिखा है ये पिछले किसी सेंटेंस में जो बात की गई थी यही उसका रेफरेंस है। तो ये कोहेसिव डिवाइसेस हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इम्प्रूव रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स, और अगर हमें कोहेसिव डिवाइसेस भी आती हों तो हमारी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं और कम्प्रीहेंशन स्किल भी इम्प्रूव होती हैं, और कम्प्रीहेंशन ही हमारा टॉपिक है। तो जी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? विदाउट देम, कोहेसिव डिवाइसेस के बिना द सिमेंटिक सिस्टम कैन नॉट बी इफेक्टिवली एक्टिवेटेड एट ऑल। अब सिमेंटिक सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स में हम मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो कहता है, कह रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि वेन विदाउट देम, कोहेसिव डिवाइसेस के बिना जो मतलब है जुमले का उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सिमेंटिक टर्म यूज हुई है इसे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि हाउ मीनिंग इन लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द यूज एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। के जो मीनिंग है किसी भी लैंग्वेज में वो उनका आपस में क्या ताल्लुक है लफ्ज़ों के हिसाब से, फ्रेजेस या फिर जुमलों के हवाले से। यानी कि सिमेंटिक यूँ समझ लीजिए कि ये द नॉलेज ऑफ मीनिंग्स लिंक्स टूगेदर स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड एलिमेंट्स थ्रू द डिपेंडेंस ऑफ वन ऑन द अदर फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, असलम, यहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। असलम जो है वो एक जहीन लड़का है। और फिर ही प्रोनाउन है, ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, ही जो है ये प्रोनाउन यूज हुआ है। और ही इज़ होल्डिंग टू सेंटेंसेस टूगेदर, यानी कि जो ही है ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है। यानी कि असलम इज प्रॉपर नाउन है, मतलब असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, असलम एक इंटेलिजेंट लड़का है। और ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, और वो हमेशा क्लास में अव्वल आता है। तो ही जो है ये जो जुमला है ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इसका रब्त बना रहा है पिछले जुमले के साथ कि वो इंटेलिजेंट है इसलिए क्लास में हमेशा अव्वल आता है। और ही जो है ये असलम के साथ भी हमारा रिलेशन बना रहा है, ये बता रहा है कि बात असलम के बारे में ही हो रही है। तो ये जो ही है ये प्रोनाउन है, ये कोहेसिव डिवाइस है, ये इसका फंक्शन है प्रॉपरली। तो जी ये एक और एग्जांपल है, मैरी विल जंप इफ शी इज फिट, द कंपनी विल चेंज इट्स पॉलिसी। अब इट्स जो है इसका ये रब्त है पीछे कंपनी के साथ, ये कंपनी के बारे में बात हो रही है कि कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करेगी। आयशा वांट्स टू नो, आयशा जानना चाहती है
कि इफ हर प्रपोजल वार एक्सेप्टेड, अब हर जो है इसका ताल्लुक ही हमें बता रहा है कि प्रपोजल किसकी की बात हो रही है, आयशा के साथ, ये कोहेसिव डिवाइस है। तो कोहेसिव डिवाइसेस मे टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल प्रोनाउंस, नाउंस, कंजंक्शन एटसेट्रा, ये बहुत सारे तरीकों से ही हो सकती हैं। और जो देखिए एग्जांपल देखिए कि न्यूमरस वर्ड्स आर कंसिडर्ड कोहेसिव डिवाइसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हाउ एवर, इन कंक्लूजन, बेसिकली, एट लास्ट, इवेंचुअली, आफ्टर ऑल, रेयरली, नॉर्मली, एट फर्स्ट, ऑफन, फर्दर एंड फर्स्टली, ये मुख्तलिफ किस्म की कोहेसिव डिवाइसेस हैं ये सारी। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज इसकी हो सकती हैं, ईच एग्जांपल कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट अ सेंटेंस, टू लिंक टुगेदर द सेंटेंस आर स्टोरी। ये हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये लिंक बनाने के काम आती हैं हमारी कोहेसिव डिवाइसेस आपस में सेंटेंसेस का और वर्ड्स का। और ये कुछ मैंने लिख दी हैं कि ये इस तरह से हो सकती हैं। अब हम प्रॉपरली आते हैं कि टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस आम तौर पे वो कौन कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं। तो सेंटेंसेस दैट आर प्रेजेंटेड एज अ होल आर लिंक्ड एंड रिलेटेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ स्पेसिफिक कोहेसिव डिवाइसेस दैट आर, नंबर एक रेफरेंस होता है, नंबर दो सब्स्टिट्यूशन है, नंबर तीन इलिप्सिस, नंबर चार कंजंक्शंस, और नंबर पांच पे हमारे पास लेक्सिकल आइटम्स होती हैं। ये पांच तरह की कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं जो रेफरेंस देती हैं हमें, सब्स्टिट्यूट करती हैं। जैसे अभी हमने पीछे वो प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की एग्जांपल देखी है, तो अब नाउन की जगह जब प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो वो सब्स्टिट्यूट करता है उसे, वो सब्स्टिट्यूशन है। एलिप्सिस, कंजंक्शन, लेक्सिकल आइटम्स, ये इसकी कैटेगरीज हैं। आगे हम इसे अब डिटेल में देखते हैं कि ये होती क्या है। तो जी पहले नंबर पर रेफरेंस। रेफरेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच एंटिटीज, थिंग्स, पीपल, इवेंट्स आर रेफर्ड टू विद इन टेक्स्ट। रेफरेंस जो है ये डिस्क्राइब करता है डिफरेंट वेज, उन तरीकों को विच थिंग्स, पीपल, इवेंट्स आर रेफर टू विद इन टेक्स्ट, जिसके जिसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों की, लोगों की, इवेंट्स की बात हो रही होती है टेक्स्ट के अंदर। अब लिंग्विस्टिक फीचर्स, फॉर एग्जांपल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रेफर टू द ऑलरेडी मेंशनड एंटिटीज। अब जैसे हमने वो एग्जांपल पीछे देखी है के अली इज, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अली इज अ गुड बॉय, ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, के अली अच्छा लड़का है, वो हमेशा क्लास में अव्वल आता है। तो अब अली की जगह जब ही यूज़ करेंगे तो ही जो है ये रेफर करता है, हमें रेफरेंस देता है अली का, तो ये कोहेसिव डिवाइस हुई। अब सर्टेनली टर्म्स इन एनी लैंग्वेज कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड सिमेंटिकली, रादर दे मेक रेफरेंस टू समथिंग एल्स विद इन द टेक्स्ट फॉर देयर इंटरप्रिटेशन। तो रेफरेंस जो है ये बेसिकली हमें चीज़ों, लोगों, मुख्तलिफ वाक्यात को टेक्स्ट से जोड़ता है कि इनका क्या किरदार है, कौन कौन से टेक्स्ट, कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो टेक पार्ट कर रही हैं उस सेंटेंस के या पैराग्राफ के अंदर। तो ये तो रेफरेंस था। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये इसकी एग्जांपल है उस रेफरेंस की कि सायरा वेंट टू द मार्केट इन रेन। अब सायरा वेंट टू मार्केट इन रेन, शी स्टेप्ड इन पुडल एंड नेवर वेंट देयर। अब देखिए देयर अगेन, देयर जो है, अब देयर कौन सी जगह है, सायरा कहाँ गई थी, मार्केट, तो देयर जो है ये रेफरेंस दे रहा है हमें मार्केट का कि सायरा मार्केट गई थी और वो गिर गई और दोबारा कभी वापस फिर नहीं गई। तो शी एंड देयर शो दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट देम इज रिट्राइव्ड एल्सवेयर विद इन द टेक्स्ट। दिस टाइप ऑफ कोहेशन इज कॉल्ड रेफरेंस। देखिए
सायरा वेंट टू द मार्केट। अब ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया है कि अगला सेंटेंस अगर देखें शी से शुरू हो रहा है तो शी हमें रेफरेंस रेफर कर रहा है सायरा की जानब, रेफरेंस दे रहा है सायरा का कि वो गिर गई थी, और फिर देयर प्लेस है तो वो हमें मार्केट की तरफ रेफर कर रहा है कि दोबारा कहाँ नहीं गई, मार्केट नहीं गई। तो इस तरह के जो कोहेसिव डिवाइसेस हैं इसे हम रेफरेंस कहते हैं। अब रेफरेंस जो है इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, ये मैंने कर दी है कि नंबर एक पर्सनल रेफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल उसमें आई मी माइन हिज हर दे देम ही शी यू वी अस एटसेट्रा, इस तरह के लफ्ज़ जो यूज़ होते हैं इन्हें हम पर्सनल रेफरेंसेस कहते हैं। नंबर दो पे डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस होते हैं जो इशारा करते हैं किसी की जानब, दिस दीज दैट दोज हेयर देयर दिस, ये वो, जैसे मैंने कहा कि इशारा करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग द रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेटी, यानी कि नियर फार, ये कोई चीज़ पास है तो दिस, दूर है तो दैट, फॉर सो ऑन, लीव दैट देयर एंड कम हेयर, आई लाइक दिस बुक्स बट आई डोंट लाइक दोज, मुझे ये किताबें पसंद हैं लेकिन वो वाली पसंद नहीं है। तो ये जो इशारा करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस कहते हैं। फिर कंपेरेटिव रेफरेंसेज होते हैं, हेयर थिंग्स कंपेयर्ड शो लाइकनेस आर अनलाइकनेस, यहाँ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है कि क्या आप उन्हें पसंद करते हो या ना पसंद करने की वजह से। फॉर एग्जांपल देखिए, इट इज़ द सेम पेन आई बॉट यस्टरडे, सेम सेम जो है यहाँ पे ये कंपेरेटिव रेफरेंस है कि उसी तरह का बिल्कुल पेन है आई बॉट यस्टरडे जो मैंने कल खरीदा था। तो इट इज़ डिफरेंट पेन फ्रॉम द वन आई बॉट यस्टरडे, जनरल इस तरह से। अगली एग्जांपल दे, देयर आर ट्वाइस एज मैनी बुक्स देयर एज द लास्ट टाइम, देयर आर ट्वाइस एज मैनी बुक्स देयर एज मैनी, यहाँ पे जो है कोहेसिव डिवाइस होगी हमारी यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि रेफरेंस क्या होता है, कोहेसिव डिवाइसेस में पहली किस्म रेफरेंस क्या होता है और इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। नंबर दो पे सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिंग्विस्टिक आइटम बाय एन अदर, कोई भी लिंग्विस्टिक आइटम जो होती है उसे किसी और चीज से रिप्लेस कर देना जो होता है उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन वर्ड फ्रेज विद एन अदर वर्ड और फ्रेज, किसी एक लफ्ज या किसी फ्रेज को किसी दूसरे लफ्ज या फ्रेज के साथ तब्दील कर देना उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, और इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी एक आइटम को बार बार यूज ना करना पड़े। जैसे समथिंग यू यूज इंस्टेड ऑफ द थिंग यू वुड नॉर्मली यूज, फॉर एग्जाम्पल द ग्लास ब्रोक आई मस्ट गेट एन अदर, यू नो शी ऑलरेडी नो दिस आई थिंक एवरीबॉडी डज। तो ये देखिए, यू नो शी ऑलरेडी नो दिस आई थिंक एवरीबॉडी डज, और एग्जाम्पल देख लें कि आई विल हैव टू एग्स ऑन द ब्रेड। अब देखिए ये यहाँ से आपको बात ज़्यादा वाज़े तौर पे समझ आ जाएगी कि आई विल हैव टू एग्स ऑन द ब्रेड। अब टू एग्स ऑन द ब्रेड ये वाली फ्रेज जो है इसे हमने चेंज कर दिया सेम से, आई विल हैव द सेम, इसका मतलब है कि मैं भी यही लूँगा। तो आई विल हैव टू बैग टू एग्स ऑन द सेम जो है इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे तब्दील कर दिया सेम के साथ, ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, मुझे उन लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता। आई डोंट बिलीव यू डू इधर, अब नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स इसे हमने चेंज कर दिया, इसे हमने रिप्लेस कर दिया डू के साथ, तो ये जो है इसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इज दिस मैंगो राइप, अब क्या ये आम पका हुआ है, इट सीम्स सो, लगता तो ऐसा ही है। अब मैंगो राइप जो है इस फ्रेज को हमने चेंज कर दिया सो के साथ, मैंगो राइप की जगह हमने लफ्ज सो यूज किया, सो ये सब्स्टिट्यूशन है मैंगो राइप की। तो इसे हम
इस तरह के जो हमारे पास जुमले आते हैं, जो हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं जब, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दूसरी हमारी डिवाइस जो थी ये सब्स्टिट्यूशन थी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इलिप्सिस। अब इलिप्सिस क्या है? इट इज़ द डिलीशन डिलीटेशन और ओमिशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइटम। आप किसी भी लिंग्विस्टिक आइटम को डिलीट कर देते हो, निकाल देते हो जुमले से। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन इन विच एन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय नथिंग। यानी कि ऐसा हो अगर कि आप, जैसे हमने अभी देखा कि सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी लिंग्विस्टिक आइटम की जगह दूसरी लिंग्विस्टिक आइटम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि आप किसी उस लिंग्विस्टिक आइटम, उस फ्रेज की जगह कोई भी लफ्ज़ यूज़ ना करो लेकिन आपका मतलब वाज़े हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम एलिप्सिस कहते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको और बात समझ आ जाएगी। एन ओकेजन व्हेन वर्ड्स आर डेलिबरेटली लेफ्ट आउट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि कहीं ऐसा मौका आ जाए आप जुमले के कुछ अल्फाज को जानबूझ के अधूरा छोड़ दो, दो द मीनिंग कैन स्टिल बी अंडरस्टूड, और फिर भी आपका मतलब वाजे हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम एलिप्सिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक और एक्सप्लेनेशन है, लिविंग आउट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस एज दे आर नेसेसरी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन रेफर्ड और मेंशन्ड। कुछ लफ्ज़ों को इसलिए छोड़ देना क्योंकि उनके बारे में पहले ही रेफर्ड या मेंशन्ड हो चुके हैं हमें, तो हम उसे छोड़ देते हैं, हमें उसका मतलब पहले ही पता होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम एलिप्सिस बोलते हैं। जुमला देखिए, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? टू टाउन। अब सिर्फ इतना कहूँ अगर मैं टू टाउन, आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं कस्बे जा रहा हूँ। या फिर अगर मैं इस तरह कहूँ कि आई एम गोइंग टू टाउन, बात फिर भी उतनी है। टू टाउन कह दूंगा तो बात फिर भी उतनी है। अब टू टाउन बोल के मैंने आई एम गोइंग जो है इसे स्किप कर दिया, ये बात अंडरस्टूड है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एलिप्सिस। अब ये देखिए, हैव यू बीन स्विमिंग, सिर्फ इसका जवाब है यस। ठीक है, आर यू ईटिंग, अब इसका जवाब क्यों होना चाहिए कि यस आई एम ईटिंग। अब हम सिर्फ इतना जवाब दे देते हैं कि यस आई एम ईटिंग, आगे से छोड़ देते हैं, तो हमारा मतलब अगले बंदे को समझ आ जाएगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें हम लफ्ज़ों को छोड़ देते हैं, फ्रेजेस को नहीं बोलते, एटर नहीं करते, इसे हम एलिप्सिस बोलते हैं। तो अभी हमने ये एलिप्सिस हो गया। अब अगली बारी है कंजंक्शंस की। अब जो चौथी हमारे पास कोहेसिव डिवाइस है उसे हम बोलते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो हैं ये दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के काम आती हैं। ये आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। आई वर्ड विच अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ऐसा लफ्ज़ जो लफ्ज़ों को आपस में जोड़े या फिर जुमलों को, सच एज जैसे कि बट है, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, बट ही केम, लेकिन वो आ गया, सो आई कैन नॉट, तो मैं नहीं जा सका। अब बट जो है इसने दो जुमलों को जोड़ दिया। आगे और एग्जाम्पल हम देखेंगे, वेन है, एंड है, सो है, और है, अनलेस है। सो इस इन लफ्जों को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। अब कंजंक्शन की कैटेगरीज होती हैं, जैसे पहली कैटेगरी है एडिटिव। जो एडिटिव कंजंक्शंस होती हैं, ये आपने पिछले सेमेस्टर में आई होप के कंजंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एडिटिव जो है कि सब्सटेंसेस एडिड टू एन अदर, किसी एक फिनोमिनन के साथ किसी दूसरे फिनोमिनन को जो जोड़े उसे हम एडिटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, बट ही इज वेरी रिलीजियस टू, बट ही इज वेरी रिलीजियस टू। अब बट जो है इसने हमें वेरी रिलीजियस के साथ इंग्लिश स्टूडेंट को जोड़ दिया, तो ये सब्सटेंस जो है एडिड टू एन अदर, इंग्लिश स्टूडेंट को रिलीजियस मैन के साथ जोड़ा। तो इस तरह की जो कंजंक्शंस होती हैं वो एडिटिव कंजंक्शंस होती हैं। एडवर्सिटिव,
कॉन्ट्रेरी जो होती हैं, जो ऐसे फिनोमिनन को जोड़ें जो आपस में मैच ना करते हों। जैसे इन हिंदू रिलीजियन पीपल वर्शिप मैनी गॉड्स। अब इस जुमले में हमने क्या देखा कि इन हिंदू रिलीजियन पीपल वर्शिप मैनी गॉड, बट इन इस्लाम वी डू वन। कि हिंदू मज़हब में लोग बहुत सारे खुदाओं की पूजा करते हैं, इस्लाम में हम सिर्फ एक ही करते हैं। तो ये कॉन्ट्रेरी हैं आपस में, बहुत सारे खुदाओं की पूजा करना और एक खुदा की पूजा करना। तो इस तरह के जो कंजंक्शंस हैं ये एडवर्सिटिव कंजंक्शंस होती हैं। फिर कैजुअल, जो रिलेशंस एक्सप्रेस्ड बाय सो हेंस देयर फॉर दस, ये आम कंजंक्शंस जो होती हैं हमारी, जो रिलेशंस को जाहिर करती हैं, सो हेंस देयर फॉर या दस। और टेम्परल, और फिर टेम्परल जो होती हैं रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय देन, देन वर्ड से जो किसी दो रिलेशंस का, दो सेंटेंसेस का आपस में कंजक्शंस जो है रिलेशन जोड़े, उसे हम टेम्परल कंजक्शंस कहते हैं। तो ये चार कैटेगरीज थी कंजक्शंस की। अब लेक्सिकल कोहेशन, लेक्सिकल कोहेशन क्या होती है?